हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है सुबह सवेरे, और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ हेलमेट देने के लिए दादा को, क्योंकि आज दादा और भाभी जा रहे हैं पिथौरागढ़। तो देखिए दोनों तैयार होके आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। तो दोनों देखो सज धज के बढ़िया तैयार हो रखे हैं। ओके बाय। तो चलिए जी, दादा और भाभी भी चले गए हैं पिथौरागढ़। बाकी अब घर का क्या क्या काम रहता है वो देखते हैं। और आज शाम को ना पास में ही मेला होने वाला है, तो रात को वहाँ जाएंगे। हो आ तु तु जामी ना होना जान ही रहे आके म्यूजिक के लिए जाना है। तो चलिए जी, फिलहाल अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और मैं जा रहा हूँ बगल में ताऊजी लोगों के यहाँ, क्योंकि ना ताऊजी लोग आजकल तेज पत्ते का काम कर रहे हैं। और दूसरा नाम कुछ है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। वैसे हमारी पहाड़ी भाषा में उसे किड़किड़िया कहते हैं। तो जेज का यहाँ अपना काम धाम चल रहा है और ताऊ जी यहाँ पे धूप में बैठ के पत्तों को अलग कर रहे हैं। कितना रुपया किलो बिकता है ताऊ जी? है 40 रुपया किलो। गुन्नू गया? गुन्नू गया ममकोट, और ये गुन्नू के बिना मेरे साथ खेल रहा है। गुन्नू आने वाला है फिर फुतोड़ेगा तेरे को फिर। ओ भाई ए भाई ए भाई, माल यहाँ बहुत है। क्यों इस बार सीधे करोड़पति बनेंगे जवा? हाँ जेज, और आपका आधा आधा हिस्सा होगा क्या? पूरा जेज का ही ठहरा, आधा कहाँ से? अच्छा पूरा जेज का ही है। हाँ क्यों चुपड़ी देल ना चुपेड़ चपेड़ ब्याह हो गए गिला दुदोग ना। देखिए यहाँ पे अभी ये तरोताजा वाला है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे सुखा के रखा है जो ताई जी एक कट्टे में भर रहे हैं, और कट्टा बना रखा है साड़ी का और उसे सिल के ना बहुत लंबा चौड़ा बना रखा है। खाने का टाइम हो गया। अच्छा जेज जा भाई, भूख लग गया, खाने के दो पका। आज सुपड़ी रुआट हो, मंत्रालय से थोड़ी छुट्टी मिल गई है। गृह मंत्रालय से छुट्टी मिल गई है का? तो यार ये जमाना हंसी मजाक करते रहते हैं। जेज की लाइफ तो परफेक्ट सेट है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों ना ये तो शटी है। जेज शटी है का? जेज तब नहीं जा भले लागना ना या तह लागना के गजब लागना ना। तो शाम के लगभग 3:30 बजने को है और दोनों सास बहू यहाँ पे बैठे हुए हैं धूप सेक रहे। बाकी अभी अभी पापा जी का कॉल आया था कि आज खाने में ना मडवे की रोटी बना देना करके, तो मैंने यहाँ पे आग भी जला दी है। मम्मी अभी मडवे की रोटी बना देंगे और तवा भी लगभग गर्म हो गया। मम्मी ओ मम्मी तो आए घर में का जल्दी आ। तो फिलहाल अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं ऊपर वाले घर में हूँ। बाकी अभी चाची का काम चल रहा है बर्तन धोने का, क्योंकि चाची दिन में जंगल गए होंगे ना, तो आज थोड़ा लेट हो गया है चाची को। नहीं नहीं बाद में होने आलम में पाँच जाने। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग की शुरुआत में कहा था ना, आज रात को मेला है करके, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। एक तो मैं जा रहा हूँ, एक प्रधान आ रहा है। तो मेला मतलब रात में मंदिर में पूजा पाठ होती है ना, तो उसके बाद चाचरी भी गाते हैं, तो उसे एक हिसाब से हमारे गाँव घरों में मेला ही कहते हैं। तो हम लोग अभी वहीं जाने वाले हैं जैसा कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत में कहा था। और बहुत सारे मेलों में तो खिलौने खाने पीने के आइटम भी बनते हैं और चरखे वरखे भी लगते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक प्रकार से ये भी मेला ही हुआ। तो यहाँ जाने वाले हैं हम लोग। फिलहाल देखते हैं कि संजय क्या कर रहा है। संजय दिया जला दिया, चल फिर अभी खाने के लिए नीचे खाएगा, फिर चलते हैं मेला। नहीं आ रहा? तो फिलहाल संजय का कहना है कि उसे थकान हो रही है, नींद लग रही है, तो वो घर ही है। तो देखिए अगर आपको घर के बगल में थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है तो वो प्रधान आ रहा है। जल्दी आ जा प्रधान। तो हमारे प्रधान जी तो आ ही गए थे और इसी के साथ देवा भी आ गया है फ्लैश ऑन करके। ये करेगा ये सीधे कर, आज ये करने के चक्कर में फोन गिर गया था अभी। तो फिलहाल तो हम 3 लोग हैं, प्रधान देवा मैं, और आगे हमें मिलेगा भतीज। बाकी अंधेरे में ना मतलब कहीं भी जाते हैं और खासकर अगर मंदिर जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों साथ में छोटे छोटे, हाँ साथ में छोटे छोटे भाई लोग हों ऐसे, ये मुंह मुंह ढक के जा रहे हों जो, तो एक अलग ही रौनक आ जाता है। और थोड़ा सा आगे जाने पर हमें कोई नहीं मिलेगा, भतीज मिलेगा, भतीज मिलेगा ना उड़े उन्हें तो कौन सी मिल फोन करो आगे बटीन मिले रोड में होने से कौन से। तो वहाँ पे है कब्बू लोगों का मकान, भतीज लोगों का। ए भतीज
जल्दी आ भतीज। तो देखिए फाइनली अपना भतीज भी आ गया। फ्लैश बंद कर दे, चलेगा? आ जा यार, लगाओ। जबरदस्ती तो बुलाया ही गया। फिर आगे तो बोल रहा था आ रहा हूँ, 90% डन है करके। ऐसा ठग रहा है ना, मतलब जो 10% बचा था वो भी मैंने किया। तो देखिए वहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग दिखाई दे रही है ना, तो वहीं पे मंदिर है और आप लोगों को शायद आवाज भी सुनाई दे रही होगी बाजू की, तो वहीं पे जाना है। अब तो थोड़ा ही रह गया है। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, और मंदिर में पहुंचते ही बचपन का मित्र लंगोटिया यार गोली। वैसे हाथ तो मैंने पहले मिला दिया, फिर से मिला रहा हूँ। अच्छा लगा तू आया है घर, लग रहा था कि तू आया होगा, फिर लग रहा था नहीं भी आया होगा। पढ़ाई करने वाला लड़का है ना, तो मुझे लगा क्या पता वहीं होगा, अपनी कोचिंग नहीं छोड़ सकता ना ये बंदा। हम छोड़ भी सकते हैं। मुस्कुराहट देखो, इस बार तो जीव बन के ही छोड़ेगा लग रहा है मुझे। चल ठीक है, भगवान नॉलेज मनोकामना आपकी जल्दी पूर्ण करे, आपकी भी पूरी करे। अरे जल्दी बना दे आपको, मेरे को जेई नहीं बनना है, कुछ भी बनना है। जल्दी बना देगा। चल ठीक है। सर नमस्कार, स्वास्थ्य पानी ठीक है सर?
तो इसी के साथ पहली आरती संपन्न होती है और अब यहाँ पे चाचरी लगाएंगे। तो भैया इसी के साथ आरती भी संपन्न हो गई थी और थोड़ी देर मैं भी चाचरी पे लगा था और अब देवा और प्रधान और भतीज कह रहे थे कि समय पर घर चलते हैं करके, तो अब हम लोग जाने लग गए हैं घर। बाकी रास्ता ना थोड़ा सा डगमग वाला है, ये काफी पुराना नहर है तो नहर ही नहर जा रहे हैं हम लोग। चल ठीक हुआ, ओके शुभरात्रि। चल ठीक बोला, ओके गुड नाइट। चलिए जी इसी के साथ हम भी घर पहुंचने वाले हैं, तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।